हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मूंग की दाल से 3 रेसिपी बनाएंगे। ये राम लड्डू है, इसके ऊपर हमने मूली को ग्रेट करा है और ये खास चटनी है इसकी। ये है मूंग की दाल के पकौड़े हरी चटनी और सॉस के साथ, और ये है मूंग की दाल के पकौड़ों की सब्जी विद ग्रेवी। ये देखिए, ये तीनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ईजी हैं। चलिए बनाते हैं। एक बड़ी कटोरी मूंग की दाल को मैंने भिगो करके रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। ये मैंने बिना छिलके वाली मूंग की दाल इस्तेमाल करी है, क्योंकि राम लड्डू जो होते हैं वो बिना छिलके वाली मूंग की दाल ही उसमें यूज़ होती है। सो गाइज, इसको मैंने ग्राइंडिंग जार में ले लिया है और इसको अब हम पीस लेंगे। इसमें मैंने हरी मिर्ची और अदरक को ले लिया है, ये देखिए, और इसको एकदम फाइन पेस्ट हम बना लेंगे। बिना पानी के ही इसको, दाल को हमें पीसना है। और ये देखिए, हमने सारा निकाल ली है दाल को और ये हमने फेंटना चालू कर दिया है। गाइज, ये देखिए, येलो कलर से ये वाइट कलर हो जाएगी, इतना हमने फेंटा है इसको 6 से 7 मिनट तक लगातार। सो गाइज, इसको हम चेक कर लेते हैं। पानी मैंने ले लिया कटोरी में, ये देखिए, ऊपर अगर ये तैर जाएगी तो ठीक है हमारी दाल। ये देखिए, बैटर हमारा एकदम फिट है, पकौड़े बनाने के लिए हमारे दाल का बैटर एकदम तैयार है। सो गाइज, इसमें अब हम नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया है और ये देखिए, मैं डालती जाऊंगी छोटे छोटे और ये बड़े हो जाएंगे अपने आप फूल करके। सरसों का तेल गाइज मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो रिफाइंड यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब एकदम हम पलट देंगे दोनों तरफ से और ये हम सेक लेंगे दोनों तरफ से, पलटते पलटते हुए अच्छे से। मीडियम आंच पर ही सेकें, हाई नहीं रहनी चाहिए ना ही ज़्यादा लो रहनी चाहिए, नहीं तो सारा तेल ये पी जाएंगे। और ये देखिए, अब हम इन्हें अच्छे से निचोड़ लेंगे। और ये देखिए, ये हमारे मूली हमने ग्रेट कर ली है और इसके ऊपर हम डेकोरेट कर देंगे। सो गाइज, ये ग्रीन चटनी है, इसमें जैसे हम धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चा, टमाटर वगैरह डालते हैं सारी चीज़ चटनी में, तो बस हम उसमें 2 पत्ते मूली के और डाल देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और राम लड्डू दिल्ली के स्ट्रीट फूड में आ से एक है ये, और ये वहाँ बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। सो गाइज, ये सभी जगह अब तो बनने लगा है। तो गाइज, अब हम दूसरी रेसिपी अपनी चालू करते हैं। ये देखिए, उसी बैटर में हम कुछ अब मसाले ऐड कर लेते हैं। हमने जीरा डाल लिया है, थोड़ी सी अजवाइन भी ले लेंगे, और ये देखिए, मैंने धनिया को थोड़ा क्रश कर दिया था, साबुत धनिया जो होता है। लाल मिर्ची डाल दी है, हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर भी डाल दिया है हमने इसमें, बहुत चुटकी सा। इसमें अब हम गरम मसाला डाल देंगे। ये सारी चीज़ें मसाले देखिए 1/2 टीस्पून है, ज़्यादा नहीं है, गरम मसाले और कम है। सो गाइस, इसमें कुछ कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमें डालेंगे इसमें धनिया पत्ता। ये देखिए, धनिया पत्ता मैंने कट करके रख लिया था, वो मैंने डाल दिया है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। सो गाइस, इसको अब हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने 2-3 हरी मिर्च को भी कट करके रख लिया है इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से 20 से हम कट लगा देंगे और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बच्चों को अगर नहीं पसंद हो तो वो निकाल देंगे, इसीलिए मैंने लंबी लंबी काटी हैं। उसी कढ़ाई में ही देखिए, ये तेल है, उसी में ही मैंने और इनको पकौड़ों को सेक दिया है। कुछ दिनों पहले वाली वीडियो में मैंने लच्छेदार पकौड़े डाले थे मूंग की दाल के, तो उसमें मैंने आलू और प्याज के पकौड़े बनाए थे, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। सो गाइज, इसमें भी आप चाहें तो आलू और प्याज के लच्छेदार लच्छा डाल सकते हैं या फिर कट करके भी डाल सकते हैं। मुझे अभी इनकी सब्जी बनानी है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने आलू और प्याज नहीं डाला है। सो गाइज, आपको पसंद हो तो इस टाइम आप आलू और प्याज इसमें डाल सकते हैं। सो गाइज, आप मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें लच्छेदार हमारे पकौड़े बने हुए हैं तैयार एकदम। सो गाइज, ये देखिए, हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, इसको हम हरी चटनी और सॉस से खा सकते हैं। और ये देखिए, अंदर कितने अच्छे एयर पॉकेट इसमें दिख रहे हैं आपको, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। ये देखिए, ऊपर से एकदम क्रंची हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं, और मीडियम आंच पर ही मैंने ये सेके हैं। लो नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये सारा तेल पी जाएंगे, और हाई रहेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सो गाइज, ये देखिए, थोड़े से पकौड़े मैंने निकाल दिए हैं, आधी प्लेट में मैंने पकौड़े बचा लिए हैं। तो अब हम ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे हम प्याज ले लेंगे एक, और लहसुन है, हरी मिर्ची हैं, और 2 टमाटर हैं। इन सभी को हम ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे। अदरक ले ली है, और कुछ मसाले भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, सिंपल मसाले जो मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक, सिंपल, बस ये हल्के थोड़े थोड़े मसाले लेने हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। बस ये सारी चीज़ें हम डाल लेंगे इसमें, ताकि इसमें मसाले अच्छे से फेंट भी जाएंगे, फूल भी जाएंगे, तो इसलिए मैं इसी में ही डाल दे रही हूँ सारे मसाले भी। सो गाइज, अब हम इसको पीस लेंगे। और ये देखिए, उसी कढ़ाई में ही मैंने तेल को थोड़ा कम कर लिया था, करीबन मैंने ये 1 टेबल स्पून ऑयल छोड़ दिया है, बाकी सब निकाल लिया था।
हींग डाल लेंगे, जीरा डाल लेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं रखें क्योंकि पकौड़े भी हमने ऑयल में सेके हैं तो वो बाद में फिर सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा, इसलिए इसमें ज़्यादा ऑयल ना डालें, बस हमारा मसाला भुन जाए इतना ऑयल सफिशियंट है। सो गाइस, अब हम इसमें टमाटर प्याज वाला पेस्ट है वो डाल देंगे और इसको हम आराम से धीमी आँच पर भुनने देंगे। ये देखिए अच्छे से हम भुनने देंगे, इसको हम ढक देंगे, ढक करके पकाएंगे तो जल्दी अच्छे से भुन जाएगा। ये देखिए सारा हमारा देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। ये देखिए अब हम इसमें पानी डाल देंगे, जितना ज़रूरत हो उतना ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दें। ये देखिए ज़्यादा भी ग्रेवी नहीं रखें और ना ही कम रखें क्योंकि अभी ये पकौड़े डालेंगे तो वो सोख लेंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है और अब हम डाल देंगे इसमें पकौड़े। कसूरी मेथी डाल दी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर है इसका कसूरी मेथी का। ये देखिए ढक देंगे हम थोड़ी देर और 5-7 मिनट के लिए बस मैंने ढका है इसको, बस पानी थोड़ा पक जाए इसके अंदर, मसाले थोड़े से अंदर एब्जॉर्ब कर ले पकौड़े हमारे बस। और ये मैंने गैस बंद करके निकाल लिया है सर्विंग बाउल में। ये देखिए अभी गरम गरम है और ये ठंडे होते ही सारी ग्रेवी एकदम सोख लेंगे। ये देखिए और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं गाइज, इतने सॉफ्ट बने हैं, मतलब ऐसे भी सॉफ्ट नहीं है कि आप छुएँ तो एकदम बिखर जाएंगे और ना ही एकदम हार्ड हैं ये मतलब देखिए एकदम चम्मच डालते ही एकदम स्मूथली चम्मच अंदर जा रही है, तो इसका मतलब ये हमारा एकदम पकौड़ा सॉफ्ट है, मतलब अंदर से सॉफ्ट है। सो गाइज देखिए आप इसमें कोई सोडा नहीं डाला है, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है, सिंपल हमने केवल इसको फेंटा था उससे ही इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ये हमारे पकौड़े। सो गाइज तीनों रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।